हाई एवरी वन, आई एम दीपिका सोनल फ्रॉम डेस्टिनी कर्व. डेस्टिनी कर्व एक वुमेन ओरिएंटेड मैगजीन है, एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपनी बातें, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू आर वेरी गुड इन कुकिंग और यू आर पैशनेट अबाउट होम डेकोरेशन और यू हैव सम यूनिक टैलेंट, यू कैन शेयर योर टैलेंट थ्रू आर ई प्लेटफॉर्म एंड मोटिवेट डिफरेंट वुमेन्स आउट देयर. And vice versa also, you can also get inspiration from other women too. You can showcase your product and you can start your own startups. हम लोग connection एक दूसरे की uniqueness से, एक दूसरे के talent से बनाएंगे. Here people will know us through our talent. In this digital media world, there are lots of things to know, to learn. What we are going to do is we are going to provide you a relevant information through our articles, through our blogs, so that we can be more, grow more and learn more together. इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज से मिली, those who have a tremendous amount of knowledge and talents. वैसी कुछ लेडीज की जर्नी through Destiny Curve हम जानेंगे. And please do share your talent to us and do subscribe and follow us, ताकि ये journey continue हम कर सके. And let's know about our what our co-author have to say and all other ladies, those who are connected with Destiny Curve. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम रितिका है और लगभग 5 महीने पहले मैं Destiny Curves के साथ जुड़ी थी. मैं हमेशा से एक वर्किंग वुमेन रही हूँ और कुछ साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना था और उस पर ज़्यादा ध्यान देना था. तो समय के साथ सबकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, मेरी भी हुई थी. बट मुझे कभी भी घर पर बैठने का शौक नहीं था, मैं हमेशा से एक वर्किंग वुमेन रहना चाहती थी. और 6 महीने पहले डेस्टिनी कर्व्स के साथ जुड़कर मैंने अपनी राइटिंग के पैशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक हमेशा से था. तो डेस्टिनी कर्व्स ने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने राइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को शोकेस करने का. उसके अलावा कोविड के टाइम पर जब सभी अपने घर में बंद थे, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और एक्सप्लोर करने का मौका मिला. मैंने अपनी योगा जर्नी की शुरुआत करी. पहले तो मैं खुद करती थी और मुझे फिट रहने का बहुत शौक है. उसके बाद मैं अपने डॉटर के साथ भी योगा करने लगी. हमने कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए और इसे देखकर काफ़ी बच्चे और काफ़ी महिलाएं हमसे जुड़ी. और मैं बेहद खुश हूँ कि किस तरह से योगा ने मेरी और मेरी बाकी सारी महिलाओं की जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनकी फिटनेस और पैशन को लेकर एक माइंडसेट को चेंज किया है. तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी डेस्टिनी कर्व्स के साथ जुड़ें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें. आप उसके बारे में शेयर करिए हमसे. आपको इसमें टेक्निकल टर्म्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम आपकी हमेशा मदद करेंगे. और अपने एक्सपीरियंस के अलावा हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं, जो कि डेस्टिनी कर्व्स के साथ जुड़कर उन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत करी थी और किस तरह से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है उनके लिए भी, तो वो भी हमें आगे इस सफर में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे. तो चलिए बात करते हैं मीनाक्षी जी से. दोस्तों, मैं मीनाक्षी डेस्टिनी कर्व से. डेस्टिनी कर्व ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाऊं. मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपने स्किन की और अपने बालों की देखभाल करना पसंद है. वही जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं. मेरे पास कुछ होममेड प्रोडक्ट के आइडियाज भी थे, जिन्हें डेस्टिनी कर्व ने सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने होममेड प्रोडक्ट को उनके प्लेटफॉर्म तक लेकर के आऊं. मेरा एक होममेड प्रोडक्ट है
आशी नेचुरल्स कुमकुम आदि ऑयल, इसका वीडियो ऑलरेडी डेस्टिनी कर्व पर है। और मेरा एक और प्रोडक्ट है आशी नेचुरल्स का ही हर्बल हेयर ऑयल, इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी डेस्टिनी कर्व पर लेकर के आऊँगी। डेस्टिनी कर्व के माध्यम से और इन दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से आज मेरी अर्निंग स्टार्ट हो पाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेस्टिनी कर्व से जुड़ने के बाद। जिन्होंने भी अभी तक इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ किया है, जितने भी मेरे दोस्तों ने मेरे जानने वालों ने इसे यूज़ किया है, उन्होंने मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे दिए हैं। और आप भी मेरे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट कैसे लगे। मेरे दोनों प्रोडक्ट नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बने हुए हैं, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। और मेरी तरह और भी लेडीज़ें डेस्टिनी कर्व से जुड़ सकती हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकती हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकती हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं तो उसे भी वो शेयर कर सकती हैं। और डेस्टिनी कर्व से जुड़िए और अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अपने बिजनेस आइडियाज़ को फॉलो करिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रानी। मैं शुरू से ही म्यूजिक से जुड़ी रही हूँ। संगीत मेरा पैशन और मेरा सब्जेक्ट दोनों ही रहा है। डेस्टिनी कर्व से मैं कुछ 6 महीने पहले जुड़ी, 6 महीने से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। इससे जुड़कर मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट को लेकर, अपने एम को लेकर काफ़ी क्लियर और कॉन्फिडेंट हुई हूँ। इसके बाद कई महिलाएं मुझसे जुड़ी, कई बच्चे मुझसे जुड़े। मैं आप सब महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ, डेस्टिनी कर्व से जुड़िए। यहाँ अपने अंदर के, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, कुछ तो ऐसा है जो आप सबके सामने रखना चाहें, जिससे आप अपने आप को जानें। डेस्टिनी कर्व के टैलेंट केस में आप अपने टैलेंट को डालिए, ताकि हम सब भी आपके टैलेंट से रूबरू हो सकें और उसका फ़ायदा ले सकें, आपसे कुछ सीख सकें। मैं आप सब महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी, कुछ किसी ने कुछ बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। छोड़ी उम्मीद का दामन नहीं हर किसी कभी, छोड़ी उम्मीद का दामन नहीं हर किसी कभी, कीजिए खुद भी भरोसा, कीजिए खुद भी भरोसा, आगे बढ़ते जाइए, कीजिए खुद भी भरोसा, आगे बढ़ते जाइए। लाख गम हो जिंदगी में मुस्कुराते जाइए, लाख गम हो जिंदगी में मुस्कुराते जाइए, मुस्कुराते जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीता प्रिया चैनल डेस्टिनी कर्व से। आप सबके बीच मेरी एक छोटी सी पहचान बनी है इसी चैनल के द्वारा। आप सबने मुझे देखा, मेरे गाने को सुना, मेरी आवाज को पसंद किया, मेरी गायकी को आप लोगों ने सराहा। जो एक कोशिश मैंने की, एक शुरुआत मैंने की गाने के द्वारा, जो मेरी एक शौक थी गाने की, इस चैनल के द्वारा मुझे मौका मिला। डेस्टिनी कर्व ने मौका दिया मुझे अपने उस हुनर को आप लोगों के सामने पेश करने का। डेस्टिनी कर्व से जुड़े हुए मुझे काफी कम ही समय हुए हैं और जो मेरा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। बस यही है कि जो हमारे में छोटी सी एक टैलेंट थी वो आप सबके सामने मैंने पेश किया, सबको अच्छा लगा। बस इसी तरह हमारे इस चैनल को आप सराहिए, लाइक करिए। बस नमस्कार। अंदर की नमस्कारम, ना पेरु दीक्षित, నేను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. డెస్టినీ కర్వ్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్లో నా యొక్క టాలెంట్స్ని షోకేస్ చేయడం జరిగింది. అందులో నేను నా ఫోటోగ్రాఫ్ స్కిల్స్, ఇంకా క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ అనేవి
పెట్టడం జరిగింది. డెస్టినీ కర్వ్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఏమిటంటే ఉమెన్ని కనెక్ట్ చేయడం. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మీరు మీ టాలెంట్స్ని షోకేస్ చేయొచ్చు. సో నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక ఓల్డ్ టీషర్ట్ని తీసుకొని ఒక షాపింగ్ బ్యాగ్గా తయారు చేశాను. సో అది ఒక క్రియేటివ్ ఐడియా. మనం ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్ అవి తగ్గించవచ్చు, సో ఒక జూట్ బ్యాగ్ లాంటిది వాడడం అది చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి ఐడియాస్ అండ్ స్కిల్స్ అన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ షోకేస్ చేయొచ్చు. సో అలాగే నా ఫోటోగ్రఫీస్ ఏవైతే నేను తీసానో అవన్నీ కూడా డెస్టినీ కర్వ్స్ అనే మ్యాగజీన్లో పెట్టడం జరిగింది. సో డెస్టినీ కర్వ్స్కి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఇంకా ఒక మ్యాగజీన్ అనేది కూడా ఒకటి ఉన్నది. సో మ్యాగజీన్లో ఏంటంటే మనం తయారు చేసినవన్నీ పెడుతూ ఉంటారు, అక్కడ మనం ఇంకా బ్లాగ్స్ అవన్నీ కూడా చదువుతూ ఉండొచ్చు. సో మనం ఏవైతే వీడియోస్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా డెస్టినీ కర్వ్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఈ డెస్టినీ కర్వ్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తాను, ఎందుకంటే చాలా ఉమెన్ అన్నవి ఉమెన్ ఒక టాలెంట్స్ని ఇందులో షోకేస్ చేయొచ్చు. సో చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఒక వీడియో ఆర్ మీ టాలెంట్ని ఏదైతే షోకేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వీడియో తీసి టీంకి పంపిస్తే టీం అన్నది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్ని టీం చూసుకుంటుంది. సో జస్ట్ మనం మన టాలెంట్స్ని షోకేస్ చేసుకోవడమే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్. థ్యాంక్ యూ.